यापन तृष्णा के कारण पर जीव हतन करी ओ सुधर के फिर बिगड़ी। मनुष्य बड़े भागों से मिला था भाई, बड़े अच्छे कर्म उदय हुए थे, समय मिला था संवारने का, अरे भाई सुधरने की जगह बिगाड़ ली हालत और ज्यादा। इसलिए कहा सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, बिगड़ी हालत समझा। ये आत्मा शेर का बच्चा है, मन एक सांड की तरह है, सांड को शेर ने खाना था, सांड शेर को खा रहा, और क्या होना, ये कैसे होगा। सत्संग में लगे रहने से कुछ जितनी देर बैठोगे यक्षी से थोड़ी देर के लिए वहां पर मनु का चार्जिंग मिलेगा, खमीर मिलेगी, जो वो दवा देते हैं अंतर्मुख जोड़ देते हैं उसको रोज खाओ मन काबू आ जाएगा, फिर ढूंढने से नहीं मिले। बैठे खड़े उठाने कहे कबीर हो गई थी, इस गति को पा जाओ कब, जब लगे रहोगे। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी जबरदस्त है। मैंने एक बार हजूर से पूछा कि महाराज सत्संग में आने के मुतलक आपका क्या हुक्म है, फरमाने लगे अगर बीमार भी हो चारपाई में हिल सकते हो तो भी सत्संग में, कितनी भारी ताकि हम छोटे छोटे बहानों से सत्संग क्या करना भाई, आज ही कल से कल नहीं परसों से, आज मेहमान आ गए आज फलाना हुआ, मेहमानों को भी साथ ले, मन का खासा एक बार छिड़को फिर हाथ नहीं आने देता। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं भाई गुरु जी भागों से मिला था, बड़े उच्चे भाग कर्म जागे तो मिला ना, इसमें हालत का सवार ना था, अरे भाई सवारने की जगह और बिगाड़ रहे, ये बिगाड़ने की बिगड़ी हुई हालत को संवारना कहां से हो सकता है, केवल सत्संग से। और सत्संग किसको कहते हैं, जहां सदगुण है सत्संग गुण है, न आलम की शोभत का नाम सत्संग है, न फालनों का, न ग्रंथाकारों का, न चात्रों का, न प्रोपेगेंडिस्ट का, समझ रहे हैं आप। बात एक छोटी सी है पर उसमें बड़ा भारी राज, सही नजरी का सवाल है। किसी समाज में रहो, यहाँ संतों के आगे कोई समाजों का झगड़ा नहीं, न मुल्कों का है, वो कहते हारे कि इंसान आत्मा दे हारी है, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। गुरु सिख बनो, किसी समाज में रहो तुम्हारी कल्याण हो। मानुष जन्म भाग से पायो सुधर के फिर बिगड़ी, ये कारण तुम निश दिन धायो धरे पाप मोटरी। कहते जिसके कारण तुम निश दिन धायो, दिन रात भटक रहे हो, वही तुम्हारे दबाने का कारण बन गए। ये चीजें तुमको छुड़ा नहीं रही, कोई कर्म भी करोगे मन के हाथों लगकर, नेक करो या बंद करो, दोनों ही बांधने के लिए जीव को एक जैसे जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। मन हटे कब, जब कुछ और करता नजर आए, आत्मा से हटे तो देखे मेरा जीवन आधार कौन है, वही अब कर रहा है। उसकी अगर ये गति कब बनेगी, जब मन के हाथों हटेगा छूटेगा, वो देखेगा मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो हो, गले हमारे जेवड़ी, कबीर साहब कहते हैं जय खींचते तो जाओ, ये जब कॉन्शियस को वर्कर बन जाता है उस वक्त आना जाना खत्म होता है, नहीं तो जब भी जानता है कि मैं किस कर्महार हूं उसी सदा जुदा होगी। तो महापुरुष की कृपा से हम देकर हो सकते,
तो देकर्मी जो शब्द विचारा, देकर्म वही हो सकता है जो शब्द का अनुभव करने वाला बन जाए, कॉन्शियस को वर्कर बन जाए परिपूर्ण परमात्मा का। तो कहते ये दौलत कहां से मिलती थी? सदगुरु, उसके पास कौन सी दौलत है? मन नाम दे दे आगे। मात पिता सुत बंधु सहोदर, सुगना कहलहरी। जैसे माता पिता बच्चा बंधु दोस्त मित्र सब, मिसाल क्या देती है? तोते को पकड़ा जाता है नलनी के जरिए, उस रस के मारे वो सारी उम्र पिंजरे में रहता है। अरे भाई ये एक पिंजरा है, तुम्हारी वो नलनी है जिससे तोता पकड़ा जाता है, तुम पकड़े जकड़े पड़े हो। ये मेरा बच्चा, ये मेरी स्त्री, ये मेरा दोस्त, ये मित्र, ये रुपया, ये जायदाद, उसी में खच खिंचोतान में लग रहे हो। और कोई सवाल दिल दिमाग में उठता ही नहीं सवाय इसके। आप चुपचाप सुनो किसी दो भाइयों को बात करते हुए, ये मेरी माता ऐसी है, पिता है, फलाना है, रुपया है, जायदाद है, लड़का अच्छा नहीं, फलाना बुरा है, इन्हीं झगड़ों को बात सुनो। कहीं साधु की बात नहीं, वो हजारों में कहीं है। तो नतीजा क्या? वही दिल दिमाग में बस जाती है, सपने भी उसी के आते हैं और बढ़ाकर भी उसी का नाम निकलता है। जाते जैसे तोता नलनी से पकड़ा जाता है, इसी तरह ये सब इन माता पिता भाई बंधु दोस्त मित्र बाल बच्चा स्त्री और पुरुष, ये नलनी है जिसे सब फंसे पड़े। कोई मुक्त पुरुष हो वही तुमको इनसे मुक्त कर सकता। मुक्ते सेवे सो मुक्त हो, जो आप इन जंतों में फंसा पड़ा है फिर वो कैसे निकल सकते? ये किसका काम है? पूरा सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खवन्या पहनन्या वित्य हो। वो तुमको यही कहता कि घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो, माता पिता के फराइज पूरे करो, बाल बच्चों के फराइज पूरे करो, हर एक इंसान के अंदर प्रभु बस रहा है, सबके दिल से प्यार करो, उसकी खातर कोई बंधन नहीं। और साथ वो ऐसी युक्ति देता है कि तुम कोई इंद्रियों के घाट से अंतर ही ऊपर कर लेता। उस महारस को पाकर इसी घर में रहती हुई तुम हकीकत को पा जाते, ये उसके पास पूर्ण युक्ति है। जग सागर मन भंवर भुलाना, नाना विद घुमरी। सारा जगत संसार सागर जितना भी है, मन इसमें भरा बना पड़ा, समझे? कभी एक रस लेता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, बस भारो फूल जैसे फूलों फूलों पर भटकता फिरता, ऐसे ही मन बौरा दुनिया में भटकता। हिंदू के भौगोल समय मुख्तलिफ हालात में कई तरीकों पढ़ने लिखने बेचारे हर एक किस्म की मन की ये भौरापन ये लटका रहता। अपने आप अपना जिससे ये आधार लेता है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इस बात की समझ कब आती? मैं ये याद कर रहा था, सही नजरी कहां से मिलेगी? किसी अनुभवी पुरुष जी तो सारी दुनिया भटक रही। अरे मन का दायरा बड़ा उसी है, मैंने अभी याद किया था, त्रिलोकी क्या महाकाल के दायरे तक इसका हाथ चलता। कोई साधु कोई अनुभवी पुरुष पूर्ण गया हो वो तुमको छुड़ाए कौन छुड़ा सकता? इसीलिए टीका बयान महापुरुषों का अपो अपना होता है, कोई सख्त कलामी थोड़ी होती है, मगर मतलब से मतलब है। सुश्र शाह कहते हैं तिया ताड़ से पुत्र लोड़ा रन दुखा दा खू, इस कहानी विचो सुथरिया कोई हरजन कटे धू। वो कैसे निकालते हैं अंतरी थोड़ी तवज्जो होकर? तो वो ये नहीं कहता घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, भाई दुनिया में रहो। जिनका संबंध आपसे बना वो प्रारंभ कर्मों के अनुसार बना, लेने देने का सामान है, जब खत्म होगा सब चले जाएंगे, खुशी से दो। और दूसरे सब में आत्मा है, उसी परमात्मा की अंश है और सबका जीवन आधार वही है, इसलिए सबसे प्यार
किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी का हक नहीं मारो, चंतर में उस महारस को आश्रय जियो। नतीजा क्या होगा? दुनिया में रहते तुम दुनिया के बंदे नहीं हो, मरे। ये युक्ति कहां से मिलती? किसी मुक्त पुरुष से। देख, जग सागर मन पावर पुलाना, नाना विद घुमरी ते से काल दिया बंदी खाना, चोरा सी कोठरी। ये जो नेगेटिव पावर ने आपको ये CID का स्पाई लगा रखा है, कहीं निकल ना जाओ। यार देखो, ये CID का सिपाही है, आपको पता है कि बाबा राम सिंह जी नामधारियों में महापुरुषों हैं, तो एक उसके साथ सिपाही CID का लगा, वो कौन था? गडविल, साथ पानी ले जाने वाला। वो कैद हो गए, बर्मा भेजे गए, वहां पहुंच गए जी महाराज, देखा मेरा काम हो गया, तो ये तुमको जेल खाने में पहुंचाएगा, तुम्हारा हमेशा दुनिया में रखेगा, जो जहां का वहीं रखेगा। बात तो ये तो किसी सम्राट पुरुष की कहानी है, तुमको इससे छुड़ा कर ले जाता है, नहीं ले जा कौन सकता? जिसका नाम सुनकर ऋषि मुनि महात्मा माफ करना घबराते थे, हम घबरा रहे हैं। ऋषि मुनि महात्मा का नाम तो तब लेना कि हमारे हम कोई ऊपर चलेगा। सबकी गति ये मन के हाथों में बिक्र है, इसके छूटने का उपाय केवल महापुरुष। हम बड़ी मुश्किल ये बात है, वो हमारी तरह खाता पीता नजर आता, काम करता नजर आता है, उसके साथ लगन बड़ी मुश्किल। गुरु संग लगन कठिन है बात, उसके बच्चों पर विश्वास ही नहीं आता, और देख कर भी नहीं आता, ना मिले तो कैसे? चीज मिल भी जा खाए, हलुसिनेशन ही ना हो, ऐसे ही ना हो गया। अरे उसकी खास बरकत है, तुमको बिठा कर वे आप करता कुछ दे सकता। थोड़ी पूंजी मिले संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे ओ मन को तोखा धर्म राय, अब क्या करोगे जो फाटो सगरो लेकर। अरे जो पूंजी मिली है हम उसको भी गवा लेते फायदा। क्राइस्ट ने जैसे मुसी साहब ने एक जगह मिसाल दी है, क्योंकि उनका ज्यादा कायदा ये था पैरेबल समझा कर, कहानियों से समझाया करते थे। एक आदमी सेठ आया, एक को 20 टैलेंट दे दिया 20 रुपए, दूसरे को 10, किसी को 5, क्या ले इसे बढ़ाओ? कहते साल दो साल के बाद आया, मैं देखा 20 वाले ने 40 बना लिए थे, ठीक है शाबाश, 10 वाले ने 20 बना लिए शाबाश, 5 वाले ने वैसे ही रखे, एक और को दिया गवाही दिया था, तो उसको किसको देगा? वो हमारे दूर घुमाया करते थे, बच्चे को एक बार 30 रुपया दिया जाए वो गवा दे, 2 बार दिया जाए फिर पिता उसका संभाल रखता। तो भाई महापुरुष आपको कुछ देते हैं, आप संभालने वाले और बढ़ाने वाले कितने लोग हैं? जाया करने वाला सबको मिलते, बड़े भागों से चीज मिलती। तो बड़े प्यार के काल ने एक जाल बना रखा है तुम्हारे ना निकलने के लिए बात, और कोठरी कितनी बनाई है? 84 लाख जी अंजूर बनाया, जहां जैसी वाइब्रेशन आपकी स्ट्रांग हायर चले जाओगे, जब लोअर होगी नीचे जाओगे। ते ही से काल दिया बंदी खाना, चौरासी कोठरी, काल ही धाए चीन नहीं पाए, बहु प्रकार भबरी। यानी वो नेगेटिव पावर मन जिसका CID का स्पाई है कहो, इतना इसमें बार हाथों बिक रहा है कि ये उस हकीकत को चीन सक। जैसे होता है ना काल अन्यायी, किसी को जैसे जेल खाने में जाओ ना, आजकल भी खैर को कमी नहीं होती, आगे पहले तो बहुत ज्यादा था, मार 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 कर करते को पूछने वाला नहीं होता, मन मार करता,
थोड़ा सा दाना इसको चाहिए बाहर फंसाने के लिए। देखो ना आसमान पर पंछी उड़ने वाले हैं, कितने आजाद हैं, उनको कैसे पकड़ा जाता, दाना जाल में बिछा दिया। हवा में आजाद पंछी उड़ने वाला दाने के लालच में फंस जाता, कई मारे जाते हैं, कई सारी उम्र के कैदी बनते। मछली दरिया में कितनी आजाद फिरने वाली है, सिर्फ लज्जत की खातिर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। इसी तरह हर एक इंद्री का गुलाम जो जीव है, या तो मौत के घाट उतरता है या सारी उम्र की गुलामी छोड़ लेता है। बाहुरा है, गुट का फूलों में मर जाता। मछली है, जबान के रस से तड़प तड़प कर मरती। परवाना है, देखने की इंद्री परबल है, जल मरता। बाकी हिरण और हाथी को एक इंद्री सुनने की और स्पर्श की है, वो सारी उम्र की गुलामी सुन लेती। बताओ क्या हर्षण, यही एक दाना है। जो महापुरुषों ने जो इलाज सोचा वो यही, कामना में ही रो जाओ, दसम गुरु साहब ने कहा। और महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, ये ख्वाहिश भोग का भोग की जो है यही हमको बंधन में डाल रही है। जितनी ख्वाहिशात कम उतने आजाद, बिल्कुल ना ख्वाहिश रहे तो उतनी शुक्र। मन मन बड़ा जबरदस्त है, भक्ति हरि ने जब हर बार छोड़ा जंगलों की राह ली, पूछा कि भाई क्या करोगे, सराहना कहाँ से होगी, ये बाजू रख कर लेट जाएंगे, बर्तन कोई खाने पीने को यही बना लेंगे, कर कई चीजें बयान कर करके क्या किया। जाती है एक जगह कबूतर की पिठ नजर आई, हाथ डाल शायद बोलती हो, बड़ी देर हुई पल की दुकान। अरे दायरे क्यों नहीं खड़ा होता? अरे भाई मन इसलिए नहीं खड़ा होता कि हमारे अंदर वेग चल रहे हैं, हम जीवन की पड़ताल नहीं रख रहे। कई भाई को समझाने बुझाने के बावजूद वो डायरी नहीं रखते, वो कहते हम वैसे देख रहे। अरे भाई वैसे क्या देखते हो आप लोग? वो दरिया जमना में उन्होंने छलांग मारी, नीचे हजार मुंह वाला सांप था, बंसी को बजाती हुई उसका दर्शन किया। ये अलंकार है बताने के लिए, ये मन कौन है? यही हजार मुंह वाला सांप है जिसके हजारों तरीके हजार चढ़ाने के, सबको अपनी अपनी जगह, पढ़ों को अनपढ़ों को, लज्जा देने वालों को, सुनने वालों को, वीरों को, गरीबों को, हाकमों को, महकुमों को, अपने अपने चीज से सबको फंसा रहा। इसके काबू करने का इलाज केवल नाम की बात और कुछ, या महापुरुषों की जो नाम के रसी है। वर्ल्ड वार मेड फ्लैश इन ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, साधु संग और नाम का। इसलिए सिख भाइयों में अरदास आती है, गुरमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, सही प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चिता है। सिख भाई जब रात को सोते हैं, आखिरी प्रार्थना जो उनके जबान पर होती है वो क्या है? नानक दास यही सुख मांगा, मुंह को कर संतन की धूप। संत कौन है? जिसके अंदर प्रभु प्रगट, जो जुड़ा है तुमको जोड़ सकता। संत संग अंतर प्रभ दिख, ये निशानी है। जाओ भाई जहां से मिलता है ऐसे संत, जिन्हें ज्यादा मिले खुशी की बात है। और ट्रस्ट देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जाओ। जैसे कहीं होता बस तुम ईमान ले आओ गुरु पर, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। क्रेडिट पर करते हो तो करो भाई, तुम्हारा काम रहा चाहिए। उधार पर करते हो करो भाई, नक्द सौदा चाहिए। कुछ थोड़ी पूंजी मिले तो आगे हो ना, हो सकता हो सकता ना हो। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। ये भी एक आधार है जो लोगों को दिया जाता है। गलतफहमी में लोग बेचारे भटके फिरते, आखिर नतीजा क्या है? रोना पड़ता। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये निशानी है, जो हमारी
पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा साधो सो सदगुरु मोहि भावा। जो कुछ दे सके चाय के पर्दे को हटा सके तो नाने गगन से सो मेरा गुरे, बड़ी साफ कोई थी। यही एक निशानी जो तो आप देख सकते हो। अगर मिलता बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता तो भाई जाओ तलाश करो जहां से मिले। जी आगे काल ही धाए चीन नहीं पाए बहु प्रकार भवरी ज्यो के हर प्रतिबिंब देख के कूप में कूद पड़ी। जैसे अक्ष देख कर पानी में आदमी छलांग मार देता ऐसे ही दुनिया भूल में जा रहे भरों में फंस गए। यह हल बन रही है जाने देखो हिरन पानी नजर आता दूर रेत चमकती है मालूम तो पानी जाता वहां पानी को कुएं में अक्ष देता उसे छलांग मारता है पकड़ी जाते क्या है दुनिया बड़ी भारी धोखे में जा रही है। ग्रैंड इल्यूजन पढ़े लिखे अमीर गरीब सब एक ही हाल से जा रहे। कोई अनभवी पुरुष इससे बचा हो तो बचा, जो खुद नहीं बचा तुमको कैसे बचाएगा। जिसदा साहेब भूखा नंगा होवे जिसदा नफर की थोड़ा, बड़ी मोटी बात। गुरु जी बड़े भागों से मिला है भाई, इसको जुए में मत हारो, बड़ी अजीब चीज है। जहां चीज मिले वहां सिर नीचे अपने आप हो जाए। देखो क्या मिलता, नहीं मिला जाओ किसी और को पकड़ो, जीवन बर्बाद न करो। खाली ट्रस्ट पर ही रह जाना धोखे का काम ज्यादातर होता। दे ज्यों के हरि प्रतिबिंब देख के कूप में कूद पड़ी। जोड़ जाड़ बहुत पत गूंधे भूसा की रसरी, घास फूस इकट्ठा करके रस्सी बना ली। हुआ क्या अपने बांधे को आप बन गए, रस्सी बनाई थी। ये जितने के भोग रस है ना ये सारे घास फूस इनको बांध कर अपने बंधन का कारण आप बन गए। जो काम करना था वो नहीं की, हुजूरी आत्म फंसे रहे। जैसा कर्म किया जैसा ख्याल उतरा उसका रिएक्शन हो गया। दुनिया सारी इसी हालत में जा रही, जो काम करना था वो नहीं कर रहे। सब्सटेंशियल हुजूरी आत्म जो मीन्स टू दी एंडा उसी में फंस रहे। ये कह दो थोड़ी लफ्जों में वही बंधन का कारण है। नेक कर्म करो तो नेक फल, बंद करो तो बंद। जब तक इंद्र के घाट से ऊपर जाना नहीं सीखते भाई, उस परिपूर्ण परमात्मा से आपको कांटेक्ट नहीं होता, उस महारस को नहीं पाते, उसको कॉन्शियस को वर्कर नहीं बनते, आना जाना बना रहे, छूट नहीं सकते। नेक कर्म करो नेक, स्वर्ग नर्क फिर अवतार। मुक्ति केवल प्रभु के अंतर में प्रगट होने से, उसकी ज्योति के विकास से होना। इसलिए भगवान किसी जी ने फरमाया कि जो देवयान पंथ में रू जाती है देव लाइट के मारे में वो रू वापस नहीं। दीवा बरसाया जाता है जल्दी करो मरने वाले को, दीवा जीते जी जगना चाहिए नहीं तो बेगता मर जाएगा। सुन महल में दिए ना जगा सौ सारे महापुरुष भाव सागर से तरने के लिए ज्योति का विकास। जोड़ जाड़ बहुत पात गूंधे ऊसा की रसरी, सात लोक की गैल बिसर गे परे जोन जठरी। सत्तु जैन
कहते हैं नतीजा क्या, सतलोक जाना था निज धाम को, वो रास्ता ही भूल गया, यही चक्कर खाते रहते। दूसरे मुल्क में गए, वहां के कानून की बजावरी ना करते हुए वहां के कानूनों के गृह में आ गए, वही कह रहे घर वापस न जा सकते। बात तो यही बनी। तो पाकिस्तान में गया था, 2 साल हो गए, वहां बहुत लोग आए, पूछने लगे कि आपको तनासुब के मुतल्लिक क्या ख्याल है, मौलवी बुलाने बहुत सारे। मैंने कहा भाई कई महापुरुषों ने इसका जिक्र किया है, कई ने नहीं भी किया, पर इसे आगे जवाब देने से पहले मैं आपको पर एक सवाल करूंगा, वो ये कि मैं आपके पाकिस्तान में आया, यहाँ की किसी कानून के खिलाफ नहीं कर रहा, सबसे प्यार है, सब मुझसे प्यार करते हैं, सबके लिए मेरे दिल में भाव है, आप भी भाव करते हैं, आपके यहाँ जेल खाने भी है, पुलिस भी है, मैं कहूंगा मेरे लिए नहीं। अरे भाई जो मूवमेंट बन गया उसके लिए ये कालकोट की कायदे बात, जो गुरुमुख बन गया, गुरुमुख आवे जाए दिखे उसको बंधन कहेगा, तो चुप कर गए। तो बात असल में यही है कि जब तक आप जिस मुल्क में, ये मनुष्य है ना जीवन, बात फिजिकल प्लेन, इसके कानून यहां से बजावरी करो, इसके कानूनों की खिलाफ वर्जी करने से एक्चुअली है कि यही फंसे रहते हो, अपने घर की शुद्ध बोध होती नहीं। महापुरुष क्या आते हैं, अरे भाई तेरा धाम अरहर में प्यारी, तू दर्शन रायत बधारी, यही बात साले कहते हैं। अः मनुष्य तुझे मनुष्य उनका जामा जो मिला है, तेरा असली वतन ये नहीं, ये मिला इसलिए तू अपने घर जाए। तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी, अरे भाई मन चूड़े के साथ लगकर विलाजत में धर्म दर्शन, ये महापुरुषों का नजरिया। वो ये कहते तुम शेर के बच्चे हो, सो तो महान सुख की बड़ी भारी ताकत है तुम में, मगर मंदिर के घाट पर जलील हो रहे, सूर्य की किरणें तुमको जला नहीं रही, अगर कांग्रेस लाइन से गुजारो आग लग जाएगी किसी को, अगर शोध फैलाई को यक्षु कर लो, हमारे फरमाया कर चलती ट्रेन को खड़ा कर दो, शोध बड़ी भारी चीज, हम शुद्ध हैं, शुद्ध आत्मा देहधारी, किन्हें रोते नजर आते हाय 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 हाय, क्यों होश नहीं आए। महापुरुष क्या करते, हमें अपने आप का थोड़ा अनुभव जगाते। हमारे दूर एक मिसाल फरमाया करते थे कि शेर का बच्चा था, किसी पाली के हाथ आ गया, उसे भेड़ों में रला दिया, सो वसंत का असर होता हूँ वसंत में भेड़ू, चलो शेर गुजरा, देखा एक शेर का बच्चा है यहाँ पर, उसको बुलाया किनारे, पानी के किनारे लगे, देख तेरी मेरी शक्ल मिलती है, कह लगे हाँ, मैं भी गरज कर तू भी गरज, जब वो गरजा वो भी गरजा, पाली में भाग गया और बकरी में भाग गया। बात समझे, ये मन पाली है इसलिए बकरी, जब आपको महापुरुष मिलता है उस शेर को अपना अनुभव कराता है, इससे आजाद भाग जाते काबू में आते। तो किसी जागते पुरुष की भाई सोबत करो, बड़ी मोटी पुरुष समझे, शेर हो शेर के बच्चे हो शेर बनो, बात करो दुनिया में आए हो, ग्रस्त आशुमा को भागों से मिला है, इसमें सबसे बड़ा काम यही करना था, अगर जाग उठोगे अपनी असलियत को संभाल लोगे, अपने देश की तरफ ध्यान दोगे, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, तब तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, नहीं तो टकरे मार आ गई और मार चलो और क्या, जहां आशा तहां बस। महापुरुष आपको क्या देने आते, दुनिया उनको कुराइया कहती, अकेले बिगाड़ता भाई, अकेले बिगाड़ते हैं कि सवारता है, तुम्हें होश दिलाता है तुम कौन हो, समाजों के लेबलों पर न भूलो, किसी समाज का लेबल लगाओ, अपनी हकीकत को जानो तुम कौन हो, समझे, और जिसके लाते हक के तुम कतरे हो उसमें समा जाओ, बस उसके माउथ पीस बनो, माउथ पीस बनो और दूसरों को भी चिता दो, ये काम है असल जो करना था।
और कर क्या रहे हैं, जहां देखो रोते नींद से नजर आती है। सात लोक की गैल बिसर गए, परे जोन जठरी। जोनों में टकरे मारते रहे, यहाँ तक बाद वक्त महापुरुष बड़े सख्त लफज भी बरते, कहते हैं जी तो लज लज नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कर रहे। यहाँ तक तो कह देते क्या कहे हो, अगर बच्चे ना समझे तो सख्त क्या नहीं पड़ता, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो, किस भूल में जा रहे हो, क्यों जन्म जिस काम के लिए मिले वो काम नहीं कर रहे और उन कामों में लग रहे हो, तुम्हें अकलमंद काम कर। सतगुर शरण हरण पाव संकट, तामे चित न धरी। भाव सागर के जितने दुखों का नष्ट करने वाला सदगुरु की शरण, बस सदगुरु की शरण लेना था वो नहीं करते, नतीजा क्या, सब दुखों में तुम गलतान हो रहे। सर्व दोख को उसके पास कौन सी दवा है, सर्व दोख को औखद नाम, वो नाम जसम है तभी नाम के साथ जोड़ सकता, गुर में आप सुबोए शब्द बता है। उसकी शर्म जाना था, शर्म लेना आपको पता किसको कहते हैं, किसी को समर्थ पुरुष जानकर उसको अपना आप हवाले कर देता, उसकी समर्था पर एतबार करके। एक बीमार है सख्त, डॉक्टर आता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम मर जाओगे, ऑपरेशन करना खतरनाक है, तो क्या कहता है डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हवाले हूँ। उसकी समर्थ है मैं तुम्हारे हवाले हूँ, जैसे चाहो। इसका नाम है क्षण। हम क्षण कहा लेते, हम तो खाना भी नहीं मानते। कोई महापुरुष मिल जाए, देखो फायदा तभी पूर्ण हो सकता है, सदगुरु शब्द जो उच्चारण का उसका विचारना ही सच्चा विचार, क्योंकि उस सच का विचार कर रहा वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर पता हो या ना हो, उसने देखा है, उसे वो देखता है तुम्हारा भला है, उसके हवाले कर। एक पत्थर है संतराश ने, उसको छीलना है, नाक आंख कान सबको बनाना है, समझे, पत्थर क्या कीमत है, रस्ते में जलील पड़ा। अरे भाई जब पत्थर बुत बन जाता है हजारों रुपए कीमत बन जाता है। जिन मानुष से देवते किए कर्त न लागी बा, ये उसका काम, समझे। तो कहना मानना पहली बात, जो कहना नहीं मानते अनोज दिली दूर, बाहर मत्थे टेकने से काम नहीं होगा, भाव दिल का होता, जो बचनों पर मत्था टेकता है उसकी कल्याण अवश्य, जल्दी से जल्दी एक ही जन्म में बेड़ा पार हो सकता। सतगुर बचन कुमावणे सच्चा है विचार, सतगुर बचन, बचन है सतगुर, उसका बचन ही जो वो सतगुर है, जो बचनों पर मत्था नहीं टेकता उसकी काम अभी दूर, रोज दिली दूर है, यही काम सीखता। आखिर जानना है भाई कौन रहा और कौन रह सकता है, गुरु जीव का बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है, वो गुजरी जा रही है। वह अगो नेड़े आया पीछे रिया दूर, अरे अब भी जागो, कभी तो जागो, नहीं जागोगे तो कब जागो। सतगुर शरण हरण भाव संकट, कितना धरी। पानी पाथर देव गौराए, दर दर पटक मरी। बाल मुखी कहीं पानियों की पूजा, कहीं पत्थरों की पूजा, जो काम करना था वो नहीं किया। अरे भाई यादगार के लिए अगर बनाया भी है बुत, चलो उस प्रभु की याद में करो ना, तब तो ठीक। अगर वो जड़ पत्थर में है तो सब दिलों में नहीं है, सब में दूर है, यहां पहुंचना था बोलो उसी में रह गए, बस काम नहीं बने।
यही सब महापुरुष कहते हैं। हर की पूजा सदगुरु पूजो, सदगुरु का पूजना ही हरि की पूजा है। कर कृपा नाम तरावे, कृपा करके नाम को देव के साथ जोड़कर भाव सागर से पार करता है। फिर क्या कहते हैं, निर्जियो पूजे मड़ा सरे में ताकि काल बिरथा समझा। जो निर्जीवों की पूजा करते हैं, बड़ियों मसानों पर ही जन्म बर्बाद करते हैं। किस लिए जाते हैं, बच्चे राजी हो, हमारा लड़का पैदा हो जाए, फलानी, इसलिए जाते हो। वहां भी अगर सच्ची ख्वाहिश प्रभु के पाने की हो, प्रभु कोई ना कोई सामान कर देगा। कई बुद्ध पूजा करने वालों की कल्याण हुई, उसका कारण यह था कि दिल सच्चा था, प्रभु ने कोई ना कोई फिर सामान बनाया मिल गए। ताकि काल था जो दुनिया इसी में लग रही है, तटों में, दरियाओं में, मंदिरों में लाइनों की लाइनें, दो दो घंटे, चार चार घंटे खड़े रहते पानी के नहाने से। भाई साहब, तन की मैल तो जाएगी, मन की मैल नहीं जाएगी। गुरु अमरदास जी साहब ने क्या फरमाया, मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन हच्छा न हो। ए जगत परम पोलाया बिरला बुझे तो, तन की सफाई से मन का मैल नहीं दूर होती, जगत भूल में जा रहा। इसका कोई उपाय, मन मेरे तू जपे को नाम, सदगुरु मोह को दियो अगर। हाँ, ये सदगुरु की दौलत मिलती तो ये मतलब नहीं, तीर्थों पर जाना क्यों जाते हैं, जिस घर के जाते वो जाओ, प्रभु की याद के लिए। प्रभु ने पाया जहां बैठे वो तीर्थ स्थान बने, जाओ वहां प्रभु के पाने के लिए। किसी महापुरुष के चरणों में बैठो, अपना वक्त जो तीर्थों पर जाते हो इसमें लगाओ, घर की जंतों से आजाद होगा। पर यही वो इशार गाहें बना रखती कसूर किसका, हमारा तीर्थों का क्या करते। मतलब तो घर से घर न भाई, उससे जहां मदद मिलती ले लो। आगे सुख सागर आदर अविनाशी, तामे चित ना धरी। सुखों का समुद्र है वो अविनाशी पुरुष जो है, उस तरफ चित नहीं देता। ये सुखी की तलाश में दुनिया में भी, माफ करना, ये सुख को पाने के लिए भटक रहा। रुपया कमाता है किस लिए, सुख के लिए। मकान बनाता है, जायदाद बनाता है किस लिए, सुख के लिए। शादी करता है, बाल बच्चे मंगता है किसके लिए, सुख के लिए। ये सुख छिन्न भिन्न है, रहने वाले नहीं, नाशवान चीजें हैं। कूड़ कूड़े देह लगा विश्रिया का तार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। सब नाशी पुरुष से अगर जोड़ लेते वो सुखों का समुद्र, ना हो मरे न हो वैसे हो, ये काम उधर चित नहीं है। पास ही रहा चीन नहीं पाए, शुद्ध बुद्ध सकल हरी। वो चीज वो सुखों का सागर था तुम्हारे अंतर ही था, सिर्फ इन्हीं की घाटी कुछ बस शुद्ध बुद्ध बिखर गई, जो कि भोग और मन के हाथ में बिक रही है। बस मन को भी, उस बेचारे को भी कुछ मतलब उसको सुख चाहिए, आप दे दो ज्यादा सुख, थोड़े रस छोड़ देगा। पर ये वो सुख का सुख सागर मिले कहां से तुम्हारे अंतर। सारे महापुरुष कहते हैं तब करो, एक दुनिया दिन चार दिहाड़े रहो अलग लव लाई। ये दुनिया चार दिनों का खेल है, आखिर जाना है, सब गए हमने भी जाना। क्या करो, जाना याद रखो। पहली बार जाना याद हो, जाना है तो क्या करोगे, कोई उपाय करोगे ना, जिस काम के लिए मुझे चीज मिला है वो क्या है, देखे के सुख को पाने के लिए। कहते क्या रहो, लव अलग लव लाई, अलाकिनो के घाट से ऊपर अपनी लाव लगा। थोड़ा टपका है इंटो दी बियॉन्ड, बेड़ा पार हो गया। इंदो के घाट पर बैठे रहे, नेक रहे या बद रहे, दोनों हालतों में आना जाना बना रहे, बस बड़ी मोटी।
यहां जाना आपको पता कहां तक है? काल महाकाल से ब्रह्मंड और पार ब्रह्मंड तक भी। ब्रह्मंड के ऊपर जाकर थोड़ी सौर्य गुरु पार जबरदस्त हो जाती है, ब्रह्मंड के अंदर तो आना जाना। तीन गुरु के पार चलो भाई, भगवान किसी ने जीता उसमें नहीं दिया। भवेतु अर्जुन भागो इससे बात तीन गुरु। सारे महापुरुष यही कहते हैं, और जो तीस गुणों में लग रहे हैं बावजूद इस तालीम के उनका क्या हशर होगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कहोगे हमें पता नहीं तो भी कानून के मुताबिक ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ब्रह्म से पार चलो भाई, तब तुम्हारी कल्याण, नहीं तो नहीं। आने जाने वाले पास ही रहा चीन नहीं पाए, शुद्ध बोध सकल हरी। देखिए थोड़ा हटकर तो बैठने है, क्या करना है आपको? क्या करना? कोई मुशक्कत सिखाई जाती है, कोई मेहनत मुआवजा जमीनें खुदवाई जाती है, सर कहते प्यार से आते राज इसी में बात। हम ये नहीं करते, कितने यही करना, इतनी अकल नहीं लेते। जो कुछ चीज पड़ी है सामने, एक आदमी हो चोर हो, फर्ज करो रात का समय मिल जाए किसी मकान में, उसको पता है यहाँ जमीन में दबे पड़े हीरे जवाहरात, रात खाली कल अकेली मिल जाए तो क्या वो रात को सो रहेगा? वो निकालेगा? अरे हम जानते हैं सब ग्रंथ पोथी के तुम्हारे तक वो सुखों का सागर है, सोचा हम निकालते। और महापुरुष आपको निकालना बतला भी देते हैं कैसे, फिर भी नहीं करते। कितने मंद भाग जाते, जिनको निकालना नहीं आया वो तो हुआ ना, प्रभु ने नहीं दिया कि कोई मिल भी गए सत्स्वरूप हस्ती मिली, उन्होंने निकालना बताया, कोई निकाल कर बताया भी थोड़ा, फिर भी नहीं निकालते। सर बताओ उनका क्या हशर होगा? इतना अफसोस का मुकाम है। एका संगति कृत ग्रह बसते दिल भात न करते भाई, एक ही संगत में आत्मा और परमात्मा दो भाई रह रहे हैं, मतलब सोच एक दूसरे से बात नहीं। हिंदू निकाल ले उसकी दौलत, मुसलमान निकाल ले उसकी दौलत, सबके अंतर वो सुखों का सागर खाठे मार रहा, मगर ये निकालता नहीं। बेवकूफी है कि नहीं? हर दर्जे की बेवकूफी से आगे और क्या होगी बेवकूफी? पास ही रहा चीन नहीं पाए, शुद्ध बुद्ध सकल हरी, निचिंता ने तत्न अक्षर डोरी नहीं पकड़ी। निचिंता और तत्व अक्षर उस तरफ नहीं गया, निश्चिंत होकर बैठे दो तब चीज मिले। चिंता आकर बैठा है, बस क्या से मिले? पहली बार जब बैठो निश्चिंत होकर और नियक्षर, एक क्षर है अक्षर है एक नियक्षर है। क्षर तो ये बाहरी दुनिया है, अक्षर ये ब्रह्मांड समझिए, और नियक्षर उसके पार पार ब्रह्म कहते इसे भी पार सत लोग सचिन में जाओ। क्या उधर तो इस राज के जानने वाले कोई नहीं माफ करने। सर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं और नियक्षर किसको कहते हैं? स्वामी जी की बारे में एक जगह प्रार्थना ही है, सर अक्षर ने अक्षर पाला बेनती करे वहां दास तुम्हारा। अरे वहां खड़े होकर बेनती कर रहा, दुनिया सारी क्षर में फंसी पड़ी है, कोई अक्षर में फंसी पड़ा नियक्षर का तो पता ही नहीं। जब तक ब्रह्म से तुम ऊपर नहीं जाते काम नहीं बनेगा। बड़ी साफ गोरी किसी समाज में रहो यही तालीम मिलती। क्या घर से तुम या घर आए, घर की सुध बिसरी। अरे भाई कहाँ से आए थे, किस घर से, कहाँ इस जगह आए थे, उस घर का पता ही नहीं। क्या कहाँ के आए, कहाँ कविता हो जाए कहते कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है इस बात का फिक्र ही नहीं। जाना तो है कि नहीं? जो कर छठ गुआना
जिस लगा मन मा है जिसे जाए तुद वर्तना जिसकी चिंता ना है। अरे भाई यार रस्म रिवाजों का सवाल नहीं किसी समाज में रहो, ये तो अपना रोना है, रोना हजरत इंसान का जो रोया जा रहा है किसी समाज में यही रोना रोना होगा। तो कहां से आए थे, कहां आकर आए हैं, अपने घर जहां से उसका ख्याल ही नहीं है। आखिर जाना ये तो चंद रोजा जिंदगी है, आखिर छोड़नी पड़ेगी। अगर इतना भी जान ले कि हमने जाना, दात प्यारी मिश्रिया दातारा जाने नहीं मन का, इतना दांतों में मस्त हो गया कि जाने ही भूल गई, मगर आखिर जाना जाना है। आंखों से देखते हैं ऐसे जिसम शमशान भूमि में, रोज जा बैठो, कभी शमशान में बैठो थोड़ी देर, घंटा दो घंटे जा बैठो। मैं छोटा हुआ वहां जा बैठा करता था, तो वहां से दुनिया का देखता क्या हो रहा, हर आधे घंटे घंटे के बाद एक आ रहा चार भाई, कोई रोता है कोई कुछ करता, हला 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 कुछ बोली। अरे भाई उसकी बारी तेरी भी तो बारी आनी है, जो इस तरह तो जो नहीं देते, अरे भाई रोना पड़ेगा, आप भी रोना सीखो। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी से पियो मिले तब कान दुहागन हो। अगर तुम अपने आप को रोना नहीं जानते तो दुनिया तुमको रोएगी अपने सुखों की खातिर। तुम अपने आप को रो लोगे तो सुखी हो जाओगे, तो बड़ी मोटी बात। या घर से तुम या घर आए, घर की सुध बिसरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले ही सूझ पड़ी। क्या भाई लाखों हजारों लोग हैं जिनको होश आती है, सारे महापुरुष ही थे। कोटुन में कोई है, लाखन में कोई है नहीं, कोटुन में कोई है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हजारों में एक मेरी तरफ चलता है होश आती है, ऐसे हजारों चले में से एक मुझे पहुंचता है। जिसे देखो दिल्ली चार लाखों का है, कितने भाई बैठे, अरे जो बैठे हो वो भी कितने हो जो इस बात के लिए बैठे हो, माफ करना, होश में आने के लिए कितने लोग बैठे हो। तो दुनिया की चीजें पाने चलो दो आधा घंटा गुजारेंगे, और क्या बात समझ आ रही है उसको पल्ले बांधो। जो वचन गुरु पूरे के हो सो में ठीक गाठरी बांधो, इसी लव में की माई कमांडमेंट क्राइस्ट कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे बचनों को मानो। हम वचन नहीं मानो बड़ी बात, इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता, यही बात करनी थी। अरे इसीलिए आपको डायरियों के लिए ताकीद की जाती है कि करो कुछ, मगर फिर डायरी नहीं रखते, अब इसका क्या इलाज किया जाए। बागों से चीज मिली, अब इसकी कदर करो, इसको संभालो, दिनों दिन बढ़ाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। नहीं करोगे तो किसका नुकसान, तुम्हारा अपना। हमारे जो फरमाया करते थे कि जो लोग भजन करते हैं वो अपने आप पर आप रहम करते, जो भजन नहीं करते वो अपनी गर्दन को अपनी छुरी के साथ काटते। अपने जीव की कुछ दया पालो, चौरासी का भेद बचा लो। दूसरों पर रहम करते हो, पहले अपने आप पर जो रहम नहीं करता दूसरों पर रहम क्या करेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप की तरफ पहले मन पर वो दो अपना पाछे अब रिझाओ। इसलिए राम तीर्थ जी ने कहा, स्वामी जी ने, वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। हमें प्रचारकों की जरूरत है, कैसे जो दूसरों को प्रचार न करें अपने आप को, आप नमूना बने, एन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। एक नमूना बन जाओ, हजारों की नजरों में जाओ। कथा ज्ञान तो कोई बात है, ये बातें सुना सकता कोई भाई नहीं। जिसका मन खड़ा होती सोब ने तुम्हारा मन भी खड़ा होगा, बस जो छोटा है तुमको छुड़ा देगा, जो जागता है तुमको जगा देगा, जो आप बना हुआ है सोया पड़ा है उससे ग्रंथ पोथी सुनोगे तब क्या होगा।
मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, विरले ही सूझ परी, सत नाम परवाना पावे, तासे काल डरी। भाई सतनाम का परवाना ले लो पासपोर्ट, काल भी तुम्हारे नजदीक नहीं आए। काल के दायरे से बचने के लिए सतनाम का परवाना चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। वो कौन दे सकता है? कोई सद हर एक का काम नहीं, न लेक्चरारों का काम है, न ग्रंथाकारों का काम है, न छात्रों का काम है, न प्रोपेगेंडिस्ट का काम। परवाना नाम का ले लो, बस काल के दायरे से निकल सकते। नाम ही अनाम में पहुंचाने का जरिया है, वो अनाम जिससे ये काल और अकाल दोनों ने सत्या पाई, तो माफ कर ले और कोई जरिया नहीं। इसके पास महाभ कहां से, इनके पास क्या गए, ये पोर्टफोलियो है। तुर्त मिलावे राम से उन्हें मिलेंगे वो। वहां पर जब भी जाओगे, पापी हो पुण्य हो, लगने चाहो सी थोड़ी पूंजी देते बढ़ाओ भाई दिनों दिन, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। वो तो रैम करके देते, वो कहते जी सबको दे देते। अभी वो कहते हो कोई बचे, पर हम कहना नहीं मानते। उसका नतीजा दुखी रहते हो क्या? दौलत मिलने पर भी दुखी रहे तो किसको? तो जरूर किस बात की है, जो बात समझ आई है उसको पले बांधो। मनोजी भागों से मिला है, इससे फायदा।